press the bell icon to never miss a video from testbook.com. मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं अपने करंट अफेयर शो की, क्या क्या इसमें होगा। तो गाइस, शुरुआत में मोटिवेशनल कोट जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कल के परसों के जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हुए हैं उसकी बात करेंगे। मंडे को हमारा वीकली रिविजन होता है, आप लोग जानते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मंडे वाली क्लास ज़रूर करें, वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं अपने कोट के साथ जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन। मतलब कहा नहीं गया है कि डिफ़िकल्ट रोड है, या अगर हम बात करते हैं कि सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर उस चैलेंज को हम अचीव करना चाहें, अगर हम करते हैं, तो उसके बाद जो हमारी लाइफ है आगे की, वो पूरी तरह से स्मूथ होने वाली है। कहा गया है ना, डिफ़िकल्ट रोड ऑफन लीड टू ब्यूटिफुल, यहाँ पर ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन, सॉरी। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, जितना रास्ता कठिन होगा ना, मंजिल उतनी शानदार होगी, जीत उतनी शानदार होगी। आगे सब समझदार हैं आप लोग। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले स्लाइड के साथ, और क्या क्या आपको पढ़ना है आज वो देख लीजिए यहां पर। तो यहां पर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर की बात करेंगे, ऑबिट्री की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन, डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड पर्सन ऑन विजिट। तो ये सारे पॉइंट रहेंगे हमारे आज के शो में। चलिए, सब लोग यहां पर आ चुके हैं, सबको गुड मॉर्निंग। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अपने स्पोर्ट्स वाले पॉइंट पर। हाँ, सोनम चौधरी जी, कल शाम को लेक्चर नहीं हो पाया था बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो वो लेक्चर आज हमने शिफ्ट कर दिया है शाम को 5 बजे, वही सेम लेक्चर, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर विराट कोहली की बात हो रही है, विराट कोहली सेकेंड फास्टेस्ट टू स्कोर 75th टेस्ट सेंचुरी। तो विराट कोहली आफ्टर ब्रैडमैन 25 सेंचुरी बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज हो गए। इन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ा। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट हैं उसकी बात करते हैं यहां पर। चलिए देखिए, विराट कोहली सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन स्कोर 25th टेस्ट सेंचुरीज, ठीक है, आपने ये पॉइंट देख लिया। उसके बाद देखिए, ही रीच द माइलस्टोन ऑफ 127 इनिंग्स, ये आपको ध्यान देना होगा। 127 इनिंग में इन्होंने 25th सेंचुरी मारी है, ये आपको ध्यान देना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर बात करें देखिए, तो किस टेस्ट में, पर्थ टेस्ट में, ये भी आपको ध्यान देना होगा, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो विराट कोहली 127 इनिंग, पर्थ टेस्ट, ये आपको याद रखना है। सेकंड फास्टेस्ट बने, इन्होंने डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, जहां पर आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। जी हाँ, हाँ प्रजापति, मिस्टर प्रजापति जी, मैं कमेंट आप कब देख रहा हूं, आप मेंस क्वालिफाई हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अभी तो हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। करंट अफेयर्स की बात कर लेने दीजिए, उसके बाद आपके मेंस की बात करेंगे, इंटरव्यू की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सचिन तेंदुलकर जो है, इन्होंने 130 इनिंग्स में इतना ये मुकाम हासिल किया था, और विराट कोहली ने 127 इनिंग में, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। डॉन ब्रैडमैन की बात करते हैं, तो डॉन ब्रैडमैन ने 68 इनिंग में ही 25 सेंचुरी मारी थी, ये भी देख लीजिए, ये भी महान है। 68 इनिंग में 25 सेंचुरी डॉन ब्रैडमैन ने मारी थी। इसके बाद विराट कोहली बन चुके हैं, उसके बाद जाके सचिन तेंदुलकर का नंबर आता है,
तो ये सारे पॉइंट हमने आपको दिखा दिए, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर जी आपके लिए लेकर आए हैं। क्रिकेट में किसका किसका हाईएस्ट स्कोर है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो ब्रायन लारा का है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ओडीआई क्रिकेट रोहित शर्मा आपको पता ही होगा, मोस्ट सेंचुरीज इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट जैक होप्स हैं ये, फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट एबी डिविलियर्स, मोस्ट कैचेस इन ओडीआई महिला जयवर्धन है। तो हमने पूरी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आप इसे चाहे तो आराम से पढ़ लीजिएगा। देखिए मोस्ट टेस्ट रन इन अ कैलेंडर ईयर मोहम्मद यूसुफ, मोस्ट रन इन अ टेस्ट सीरीज डॉन ब्रैडमैन, फास्टेस्ट सेंचुरी इन अ टेस्ट क्रिकेट तो ब्रैंडन मैकुलम, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट ब्रायन लारा 400 आपको ये सब पता ही होगा। तो ये कुछ रिकॉर्ड है जिनकी बात हमने कर ली, रिकॉर्ड और रिकॉर्ड होल्डर का नाम जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, जो भी लोग सैड हैं वो सैड ना हो, यहाँ पे क्यों चारू बोल रही हैं, एग्जाम्स हैं, रिजल्ट आया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कहा गया कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है, समय सबका आता है, समय बड़ा बलवान होता है, अगर आपने सच्चे दिल से तैयारी की होगी तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जिनका हो गया है मेंस क्वालिफाई हो गया है वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन अभी उन्हें रुकना नहीं है। जिनका नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे बहुत सारे फेज हमने भी देखे हैं लाइफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ हम कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं हैं, आप मेहनत करते रहिए, अभी बहुत सारे एग्जाम हैं, अभी नेक्स्ट ईयर हमारे फिर से बैंक के एग्जाम्स आएंगे, आईबीपीएस के एग्जाम्स आएंगे, देखिए अभी वैकेंसीज भी बढ़ गई हैं, आपको पता होना चाहिए वैकेंसीज भी बढ़ी हैं बैंकिंग एग्जाम में, और अभी आगे और भी वैकेंसीज बढ़ेंगी, परेशान ना हो, आरबीआई ग्रेड भी है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ, चलो आगे देखते हैं ना यार, चलो नया दिन नई शुरुआत। हाँ बिल्कुल एकदम, आप रॉकस्टार हैं यार, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर क्या होगा, है ना, आपको दूसरों को गाइड करना है, आपको एक सफल इंसान बनना है, उसमें टाइम लग रहा है लगेगा, आप आगे बढ़ते रहें, रुके ना यहाँ पर, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब पीछे खींचने वाले फैक्टर्स होते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स आइए देखिए, तो बेल्जियम ने हॉकी वर्ल्ड कप जीत लिया है, देखिए बेल्जियम ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता है ये इन्फॉर्मेशन तो आपको है, लेकिन अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो आपको पता है कि ओडिशा भुवनेश्वर में ये हुआ, किस स्टेडियम में हुआ, तो आपको स्टेडियम का नाम भी पता होना चाहिए, कलिंगा स्टेडियम। कौन हारा आइए सारी बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए देखिए बेल्जियम की बात हो रही है, बेल्जियम वन द हॉकी वर्ल्ड कप 2018 आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसके बाद क्या, दे डिफीटेड नीदरलैंड इन अ शूट आउट इन द फाइनल ऑफ द मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, यानी हारा कौन, नीदरलैंड, जीता कौन, बेल्जियम, बेल्जियम ने जीत हासिल की है, नीदरलैंड को इन्होंने हराया है शूट आउट में, तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी शूट आउट में हराया है। आगे बढ़ते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैंने क्या बोला था आपको स्टेडियम का नाम याद रखना है, तो स्टेडियम का नाम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कलिंगा स्टेडियम, ये मत भूलिएगा, इसी स्टेडियम में ये मैच हुआ, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, द हॉकी वर्ल्ड कप 2018 वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर इंडिया, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब देखिए 2014 का हॉकी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ये भी याद रखिएगा, 2014 का हॉकी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, इस बार बेल्जियम ने जीत हासिल की, नीदरलैंड को हराया, कहां पर ये मैच हुआ, तो भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, देखिए यहां पर थोड़ा सा बेल्जियम की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस से घिरा हुआ देश है। बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस से घिरा हुआ देश है, मतलब कि यूरो जोन में ये आता है, ठीक है। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है, तो ब्रुसेल्स है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब ब्रुसेल्स में कौन कौन से हेडक्वार्टर है, तो ब्रुसेल्स में नाटो, नाटो का नाम सुना होगा आपने, ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है और ब्रुसेल्स में स्विफ्ट का भी हेडक्वार्टर है, ये दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा, और ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। तो ब्रसेल्स की बात करें तो नाटो, यूरोपियन यूनियन एंड स्विफ्ट का हेडक्वार्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रसेल्स की कैपिटल यहाँ पर फिर से देखिए, बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रसेल्स है, करेंसी यूरो है, मोनार्च फिलिप है और प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स माइकल हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम बेल्जियम की बात कर रहे थे, तो बेल्जियम में ब्रसेल्स है कैपिटल और ब्रसेल्स में स्विफ्ट का, नाटो का और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद देखिए अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम की कैपिटल, करेंसी, मोनार्च और प्राइम मिनिस्टर का नाम हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके रिवीजन के लिए हम दे रहे हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए
इस बार के जो वर्ल्ड कप्स हुए वो कौन कौन जीता? फॉर एग्जाम्पल अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फ्रांस जीता, क्रोशिया रनर अप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके क्विक रिवीजन के लिए। हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो बेल्जियम जीता, नीदरलैंड हारा, आप देख रहे हैं। वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जीता, इंग्लैंड हारा। और ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया जीता और पाकिस्तान हारा। तो ये आपको इस साल के हुए वर्ल्ड कप की हम पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है आपके क्विक रिवीजन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने यहां पर आ रही है और सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो गई। सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप, रोइंग का मतलब नौकायन। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि ये चैंपियनशिप कहां पर हुई? तो देखिए ये चैंपियनशिप जो शुरू हुई बेटा, ये पुणे में शुरू हुई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप पुणे में हुई और ये जो चैंपियनशिप हो रही है ना, ये एक क्वालिफाइंग मैच है। 2019 में रोइंग चैंपियनशिप वर्ल्ड कप होने वाला है, रोइंग वर्ल्ड कप, ठीक। तो जिसमें इसमें जो भी खिलाड़ी जीतेंगे वो सीधे क्वालिफाई कहां करेंगे? चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी क्वालिफाइंग है किसके लिए? जापान में होने वाले 2020 में ओलंपिक के। बात समझिएगा, यहां पर जो खिलाड़ी जीतेंगे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 19 में पार्टिसिपेट करेंगे और जो टीम 19 में पार्टिसिपेट करेगी वो क्वालिफाई करेगी सीधे ओलंपिक के लिए। बात को समझिएगा, तो मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं, आपको शायद और बातें क्लियर हो जाएं। देखिए 37 सीनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? पुणे में हो रही है, पहली इंफॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, कहां पर हुआ? पुणे में हुआ, ठीक है। अच्छा आप देखिए, द रोवर्स फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 विल बी सिलेक्टेड फॉर दिस इवेंट। तो जो नौकायन है ये इंडिया के अंदर की बात है, ये सारे इंडियंस लोग यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। जो इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप 19 के लिए चुना जाएगा। ये इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा था, आगे देखिए यहां पर। देखिए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 इज द फर्स्ट क्वालिफाइंग चैंपियनशिप फॉर द 2020 टोक्यो ओलंपिक। तो ये तो मैं केवल आपको समझा रहा था कि जो यहां जीतेगा वो चैंपियनशिप में खेलेगा और जो चैंपियनशिप में जीतेगा, क्वालिफाई करेगा, वो सीधे ओलंपिक में जाएगा, ठीक है। तो नेशनल रोइंग चैंपियनशिप कहां पर हुई? पुणे में हुई, बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। हाँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था कि इससे कहां पर जगह मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फिर से दे रहे हैं क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं चीजें। देखिए हम एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया का एशियन गेम्स में क्या स्थान रहा? तो इंडिया की रैंक थी 8वीं और टोटल 69 मेडल मिले थे, 15 गोल्ड, सिल्वर 24 और ब्रॉन्ज 13। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि एशियन गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन थे और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी में नीरज चोपड़ा और क्लोजिंग सेरेमनी में रानी रामपाल। इंडिया ने टोटल 69 मेडल जीते और इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 8वीं, 15 गोल्ड, सिल्वर 24, ब्रॉन्ज 13। और अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो एक बार फिर से आपका रिवीजन करवा देते हैं। देखिए फ्लैग बेयरर ओपनिंग सेरेमनी पीवी सिंधु, आपको यहां दिख रहा होगा, और क्लोजिंग सेरेमनी मैरी कॉम। ये याद रखना बहुत जरूरी है। इंडिया की रैंक थी 3rd, गोल्ड 26, सिल्वर 20 और ब्रॉन्ज 20, मतलब टोटल 66। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है आपके रिवीजन करने के लिए। ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडिया ने कितना मेडल जीता, इंडिया ने कितना गोल्ड मेडल जीता, हम सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की। और यहां पर स्पोर्ट्स में फिर से बात कर रहे हैं और पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीता और इन्हें गोल्ड मेडल मिला। पीवी सिंधु ये BFW वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीती हैं गोल्ड मेडल और ये करने वाली ये पहली इंडियन है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो पीवी सिंधु के बारे में आगे बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, इन्होंने किसको हराया, ये इवेंट कहां पर हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देने के लिए जा रहे हैं। देखिए पीवी सिंधु की वर्ल्ड रैंक है 6 और ये इंडिया के लिए खेलती हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान देना, हमारे जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको हम एक्स्ट्रा छोटी छोटी लेकिन मोटी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, ठीक। वॉन द सीजन एंडिंग, मतलब कि सीजन खत्म हो रहा है, आपको पता है दिसंबर खत्म होने वाला है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट। तो BFW का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो आप देख पा रहे हैं, वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्नामेंट ऑन 16 दिसंबर इन कहां पर, देखिए तो यहां पर ग्वांगझाउ चाइना। तो ये इवेंट कहां पर हुआ? गंझाओ चाइना में हुआ, एक इंफॉर्मेशन। पीवी सिंधु ने, जिनकी वर्ल्ड रैंक 6 है, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता, किसको हराया आइए देखते हैं यहां पर। तो यहां पर देखिए अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको आगे इंफॉर्मेशन देंगे इसकी, ठीक। तो शी इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन BFW वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट। एक बार ध्यान दीजिएगा, यही सेम इवेंट अगस्त में भी हुआ था और अगस्त में पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन दिसंबर मतलब कि इस मंथ में इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोल्ड
गोल्ड मेडल जीत लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो शी डिफीटेड द नोजोमी ओकुहारा। नोजोमी ओकुहारा की वर्ल्ड रैंक 5 है और ये जापान के लिए खेलती हैं। नोजोमी ओकुहारा की वर्ल्ड रैंक 5 है और ये जापान के लिए खेलती हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो नोजोमी ओकुहारा को हराया, अपने से एक रैंक ऊपर वाले प्लेयर को इन्होंने हराया है। ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हम देने जा रहे हैं कि पीवी सिंधु का 2018 में क्या प्रदर्शन रहा और इन्होंने कौन सा मेडल जीता। अब देखिए, बीएफडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें जो नानजिंग में हुआ था, अगस्त में हुआ था, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एशियन गेम्स में देखिए, वुमेन सिंगल में सिल्वर मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स टीम में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था और कॉमनवेल्थ में वैसे इस इंडिविजुअल में ये सिल्वर मेडल ही जीत पाई थी। देखो यहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट मिक्स टीम का मतलब क्या हुआ, इनके साथ कोई और खिलाड़ी भी था तो वहां पर गोल्ड मेडल मिला, लेकिन इंडिविजुअल की बात करें तो ये सिल्वर मेडल ही जीत पाई थी। यानी कि एशियन गेम्स में सिल्वर, कॉमनवेल्थ में सिल्वर, उसके बाद कॉमनवेल्थ में अगर मिक्स टीम की बात करें तो गोल्ड, और बीएफडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अगस्त में हुआ था वहां पर सिल्वर, और लास्ट में मतलब कहा गया ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो लास्ट में गोल्ड मेडल ये जीतने में कामयाब हो गए इस साल। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नोवाक जोकोविक की और सिमोना हेलेप की। तो इन्हें क्या नामित किया गया है, देखिए, नोवाक एंड सिमोना नेम्ड 2018 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियंस। तो इनको ये खिताब दिया गया है, किसको, नोवाक जोकोविक को और सिमोना हेलेप को। तो नोवाक जोकोविक जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और सिमोना हेलेप जो है ये रोमानिया की खिलाड़ी हैं। जब भी टेनिस में किसी प्लेयर का नाम सुनिए तो उसके देश का नाम हमेशा याद रखिए, आपके एग्जाम में कई बार देश का नाम पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या मामला है पूरा। देखिए, तो नोवाक जोकोविक एंड सिमोना हेलेप वॉज नेम्ड एज द 2018 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियंस। तो ये इनको खिताब दिया गया है, इनको सम्मानित किया गया है इस बार। अच्छा, आगे देखिए, तो जोकोविक रिसीव्ड द ऑनर फ्रॉम द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फॉर द सिक्स टाइम। तो जोकोविक को तो छठवीं बार ये ऑनर मिला है, सम्मान दिया गया है छठवीं बार। तो पहले आप नाम याद रखिए, नोवाक जोकोविक और सिमोना हेलेप, ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो जोकोविक बिलोंग करते हैं सर्बिया से और सिमोना हेलेप बिलोंग करती हैं रोमानिया से। ये इंफॉर्मेशन, जोकोविक को छठवीं बार ये सम्मान मिला है, एक इंफॉर्मेशन ये। और अगर हम बात करते हैं, देखिए, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट रोमानियास टॉप रैंक्ड हेलेप, मतलब सिमोना हेलेप, इन्हें पहली बार ये सम्मान मिला है, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब मिला है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये देख लीजिए, हेडक्वार्टर लंदन में है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है, ये बात याद रख लीजिएगा। प्रेसिडेंट डेविड हैगेटी हैं, मेंबरशिप 211 नेशंस का है और ये 1930 में फाउंड किया गया था। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। हेडक्वार्टर का नाम जरूर याद रखिए, हेडक्वार्टर लंदन में है। और इसमें प्रेसिडेंट मेंबरशिप भले ही ना पूछे, लेकिन आपको पता है कि स्टैटिक में आपसे ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, तो ये लंदन में है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मॉर्निंग का समय है, सुबह सुबह मिठाई यहां पर दिख रही है तो भूख लगना तो लाजमी है। बिहार के सिलाव खाजा को जीआई टैग मिल गया, जीआई टैग मिल गया। तो बिहार के सिलाव खाजा को जीआई टैग मिल गया। तो जो लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं और स्पेशली नालंदा जिले के हैं, उनको बधाई है। और जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपके क्षेत्र में ये मिलता है तो testbook.com गूगल पे सर्च करिए और हमें ये चीज़ पार्सल कर दीजिए, हम भी तो देखें कैसा होता है। तो नालंदा जिले का है ये, इसे जीआई टैग मिला है। आइए इस पर बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आपके सामने इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री जो जीआई टैग देती है, जो चेन्नई बेस्ड है, चेन्नई में ये इसका हेडक्वार्टर है, देखिए, हैज़ ग्रांटेड जीआई टैग टू, यहाँ पर देखिए, सिलाव खाजा जो कि बिहार का एक डिश है, बिहार में नालंदा जिले का एक डिश है, उसको जीआई टैग मिला। ठीक है, अच्छा, सिलाव खाजा इज द ट्रेडिशनल डिलीशरी ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वही नालंदा। तो आपको पहले तो जीआई टैग किसको मिला ये पता होना चाहिए, सिलाव खाजा, और ये बिहार में किस जिले का है, तो नालंदा। ये इन्फॉर्मेशन इतनी रखनी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। हाँ हाँ, एड्रेस अजय दुबे, एड्रेस तो यार गूगल पर सर्च करो ना, testbook.com नवी मुंबई सर्च करोगे पूरा एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ पर कंप्यूटर जी आपको बड़े डीप में इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि ये जीआई टैग जो है ये कैसे मिलता है और ये कैसे कोई देश या कैसे कोई कंपनी किसी प्रॉपर पर्सन को देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह समझाया गया है। देखिए, तो
इंडिया एज द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ऑफ गुड्स. अब देखो एक्ट प्रॉपर एक्ट साइन हुआ है. रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 हैज कम इन टू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 सितंबर 2003. अब देखो GI have been defined under Article 22(1) of the WTO Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement as the whole. तो proper India और World Bank के WTO World Trade Organization के बीच में एक क्या हुआ है, एक agreement हुआ है. तो जिसको भी GI tag मिलता है वो एक intellectual property बन जाती है और वो फिर अपने वो देश अपने इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ कर सकता है. तो GI टैग मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो प्रॉपर्टी है ये इंटेलेक्चुअल हो जाए और आप अलग हो जाएं. तो वो देश क्या करेगा, वो देश उसको इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है या फर्दर बिजनेस में यूज़ कर सकता है. GI टैग इसलिए होता है. तो हमने पूरी डीप में इंफॉर्मेशन दी है, आप चाहें तो PDF में इसे पढ़ सकते हैं अगर आपको GI टैग के बारे में और डीप में जानना है तो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लिस्ट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट GI टैग ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं. जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश. तो इनमें कौन कौन से इनके प्रोडक्ट हैं जो GI टैग मिले हैं इनको, वो इंफॉर्मेशन हमने आपको पूरी दी हुई है. तो आप आराम से इसको देख लीजिएगा, याद करना हो याद कर लीजिएगा, आपके लिए जरूरी है ये पॉइंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे. ठीक है, चलिए. तो गवर्नमेंट नोटिफाइज रूल फॉर मोबाइल फोन सर्विसेज. देखिए अगर आप मेरा करंट अफेयर्स काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमारी TRAI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर हम बात करें एरोप्लेन की बात करें या फिर हम शिप की बात करें जो पानी में चलते हैं, वहाँ पर दोनों के लिए आपके आप डेटा और वॉइस कॉल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत पहले दी थी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक नोटिस बना दी है कि हाँ जो भी इंडियन कंपनी है या फॉरेन की कंपनी है जो हमारे देश में एयरलाइन सर्विसेज दे रही हैं या फिर जो मैरीटाइम सर्विसेज दे रही हैं, तो वो किसी इंडियन जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्हीं का यूज़ करके अपने कस्टमर को ये सर्विस दे सकते हैं. मतलब क्या है, आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे बातें समझ में आने शुरू हो जाएंगे. देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड रूल्स, मतलब कि नोट रूल्स को बता दिया गया है कि प्रोवाइडिंग इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम मोबाइल फोन सर्विस ऑन 16 दिसंबर 2018. ठीक है, देखिए इंडियन एंड फॉरेन एयरलाइंस एंड शिपिंग कंपनीज जो मैं बोल रहा था, ठीक है, ऑपरेटिंग इन द कंट्री कैन प्रोवाइड इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम वॉइस एंड डेटा सर्विस विद अ वैलिड इंडियन टेलीकॉम लाइसेंस होल्डर. मतलब कोई फॉरेन की कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, अगर आप एयरलाइन या मैरीटाइम की सेवा हमारे देश में दे रहे हैं तो आप वैलिड इंडियन टेलीकॉम लाइसेंस होल्डर की सर्विस अपने कस्टमर को दे सकते हैं. ठीक है, आगे देखें. देखिए और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. द कनेक्टिविटी कैन बी प्रोवाइडेड यूजिंग टेलीकॉम नेटवर्क ऑन द ग्राउंड एज वेल एज यूजिंग सैटेलाइट. तो मतलब जहां तक अगर हम बात करें लैंड के थ्रू कनेक्शन मिल सकता है टावर के थ्रू, ठीक है, और जहां पे नहीं मिल पा रहा है वहां पे सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शन दिया जा सकता है. तो ये गवर्नमेंट ने बोला है. तो बेसिकली अब क्या होगा कि आप फ्लाइट में अपना फोन यूज कर सकते हैं, ये अच्छी खबर आपको यहाँ पर मिल रही है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे. तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्यूटर जी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं. ठीक, और इनके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तीन चीज़ें आती हैं. ठीक है, देखिए आराम से देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ और आगे बढ़े तो क्या बात करेंगे ये देखिए यहाँ पर. देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे आ रही है. मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. देखिए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, तो मनोज सिन्हा जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज पर फॉर कम्युनिकेशन. ठीक, और अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव क्या है, अरुणा सुंदर राजन, ये चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम कमीशन एंड टेलीकॉम सेक्रेटरी अनंत नारायण नंदा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक, और अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटिव कौन है, अजय प्रकाश सवने, ये सेक्रेटरी हैं. ठीक, और SS आहलूवालिया जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और रविशंकर प्रसाद जो है ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं. ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब ये सारे स्टडी के पॉइंट हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी जो है दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के
सोपुतान ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो देखो ये ज्वालामुखी हो गया या कोई स्टॉर्म हो गया उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीप में नहीं आते, लेकिन आपसे ये पूछेगा कि अभी हाल ही में सोपुतान ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, ये किस देश में है? तो ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। और देखिए सोपुतान इज वन ऑफ द इंडोनेशियाज मोर देन 120 एक्टिव वॉल्केनोज, यानी इंडोनेशिया में 120 एक्टिव वॉल्केनो में से एक है ये सोपुतान। अच्छा और देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दिखाते हैं। इंडोनेशिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन इट्स पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम देने जा रहे हैं, क्या इसका मतलब है। तो इंडोनेशिया जो है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में इसकी लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम थोड़ी सी आगे देते हैं। देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, पहले इंडोनेशिया के बारे में इंफॉर्मेशन। कैपिटल जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, और प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो है, और वाइस प्रेसिडेंट जोसुफ काला है। ठीक, देखिए तो ये सब तो इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ख्याल से अब याद हो गई होगी, डेली आपको हर देश के हम कुछ स्टैटिक पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर इंडोनेशिया की पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर लें वो आपने देख लिया, लेकिन हमें कुछ और भी देखना है। हमें देखना है यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के बाद देखिए ये इसका शेप यहाँ पर आप देख पा रहा होगा आपको, पूरा देखिए पूरा शेप, ये पूरी शेप जो है पैसिफिक ऑफ फायर में आती है। यहाँ पर देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अमेरिका दिख रहा है। ये है क्या? ये बेटा वो जगह है जहाँ पर ढेर सारे एक्टिव वॉल्केनो हैं, कुछ समुद्र के नीचे हैं, कुछ समुद्र से ऊपर हैं, और इंडोनेशिया ऐसी जगह पे है जहाँ पर आपका जो वॉल्केनो है काफ़ी एक्टिव हैं। तो ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ये आप देख लीजिए यहाँ पर, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था पैसिफिक ओशन। एक मूवी भी इस पर आई है पैसिफिक रिम, अगर आपने देखी होगी तो इसका सेकंड पार्ट भी आया, अच्छी मूवी है, देखिएगा जरूर इस पर। देखिए तो अब ये 40,000 किलोमीटर का पूरा एरिया है और इसमें 452 वॉल्केनोज जो हैं वो हैं, और मोर देन 75 क्या है, एक्टिव हैं। ये इंफॉर्मेशन देखिए, तो थोड़ी ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर जो मैंने आपको बताई, तो ये देख लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, और यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ रहा है। देखिए देखिए तो यहां पर ठीक है हो गया यहां पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे वॉल्केनो की, और ये चीज़ आपने देख ली यहाँ पर। ठीक, देखिए आप ज्योग्राफी की बात करेंगे यहाँ पर और चक्रवाती तूफान फिटे की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, सुशील पूछ रहे हैं कौन सा सर नाम बताओ मूवी का, तो पैसिफिक रिम है, दो पार्ट में ये आई है, दो पार्ट में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर किसकी, ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म जो यह फिटई है टू हिट आंध्र प्रदेश, तो एक साइक्लोन आया है फिटई जो आंध्र प्रदेश को हिट करेगा। हमेशा ऐसे पॉइंट आते हैं एग्जाम में, वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए तो आगे बढ़ते हुए आपको हम कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं। देखिए ये क्या था, ये भी एक स्टॉर्म था जो यहाँ पर आया, देखने को मिला आपको। गुड मॉर्निंग, जी हाँ, पिटई का नाम लिया तो मतलब कहते नहीं कि नाम लिया और शैतान हाजिर, तो वही वाली बात है। तो साइक्लोन स्टॉर्म की बात करें जिसका नाम पिटई है, ये आंध्र प्रदेश को हिट करेगा और आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा को ये हिट करेगा, और इसकी स्पीड कितनी होगी, 70 से 90 किलोमीटर पर आवर। तो बस आपको ये काकीनाड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आंध्र प्रदेश और फिटई आपको याद रखना है, और इन इन शहरों में भारी बरसात होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे आपके, तो बेसिकली आपको बस फिटई याद रखना है और कौन सा स्टेट, तो आंध्र प्रदेश याद रखना है। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो वही सेम चीज़ है कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। ठीक है, वो हमको मालूम चल गया। और आगे बढ़ते हुए देखिए एक बार हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो साइक्लोन होते हैं कभी हैरिकेन हम बोलते हैं, ये है क्या? तो साइक्लोन हम बोलते हैं इंडियन ओशियन में,
ठीक, हैरिकेन्स हम बोलते हैं अटलांटिक में, टाइफूनस हम बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में, और विली विलिस हम बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो सेम चीज़ है, बस नाम अलग अलग है, तो हर जगहों पर हम इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवार्ड एंड ऑनर की, और यहाँ पर श्री सैनी की बात हो रही है। तो श्री सैनी जो है ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ताज जीत चुकी हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए, इंडो अमेरिकन श्री सैनी वॉन द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018। तो श्री सैनी की बात करें तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 ये खिताब इनको मिला है। 27th एनुअल ग्लोबल प्रेगनेंट कॉम्पिटिशन हेल्ड इन न्यू जर्सी। तो मतलब क्या है कि न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक वैश्विक पेजेंट प्रतियोगिता में इन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब मिला है। न्यू जर्सी में ये इवेंट हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। अच्छा, आगे देखें तो साक्षी सिन्हा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अनुष्का सरीन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ये फर्स्ट और सेकंड रनअप रहीं। तो साक्षी सिन्हा और अनुषा सरीन ये लोग क्या हैं, ये लोग फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रहीं। तो जीता कौन, तो देख लें, श्री सैनी जो इंडो अमेरिकन लेडी हैं उन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 जीता, और ये कंटेस्ट कहाँ पर हुआ, तो ये कंटेस्ट हुआ है न्यू जर्सी में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया है। सुशील कुमार जी थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, देखिए ये सब तो जो जीत रहा है वो जीत रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप केवल देख के तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, तारीफें पसंद आती हैं लोगों को, लेकिन ठीक है, मोहम्मद असफ मार खाने वाले हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ें और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर देखिए, तो ठीक है, वो सारे पॉइंट हमने आपको दे दिए हैं, और ये इवेंट कौन है, ये इवेंट इंडिया फिल्म फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस साल के ब्यूटी प्रेगनेंट की हम बात करने वाले हैं और विनर की हम बात करने वाले हैं। तो मिस यूनिवर्स 2018, मिस वर्ल्ड 2018, मिस अर्थ 2018, मिस इंटरनेशनल 2018 एंड फेमिना मिस इंडिया 2018, हमने ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और आप आई होप कि आप इसे याद कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है ये। हाँ, मिस वर्ल्ड का नाम मैं आपको पहले करा चुका हूँ, और मिस यूनिवर्स मैं आपको आगे कराने जा रहा हूँ। तो ये रही आपके सामने, देखिए, तो कैट्रियोना ने मिस यूनिवर्स 2018 का ताज जीता है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, कैट्रियोना वॉन द मिस यूनिवर्स 2018 टाइटल। अब ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, हम उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहां पर आपको हमने इंफॉर्मेशन दे दी है, फिलीपींस की हैं कैट्रियोना ग्रे, फिलीपींस की हैं कैट्रियोना ग्रे, जिन्हें मिस यूनिवर्स 2018 का खिताब मिला है, और ये इवेंट कहां पर हुआ, बैंकॉक में हुआ। सुन लीजिए, बैंकॉक में इवेंट हुआ, किस देश की ये देश ये बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं फिलीपींस से। नाम क्या है इनका, तो नाम है कैट्रियोना ग्रे, इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला, आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। शी इज़ द फोर्थ पर्सन फ्रॉम द फिलीपींस हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल ब्यूटी पेगनेंट। तो ये फिलीपींस की तरफ से चौथी महिला है जिन्होंने ये खिताब जीता है, अपने आप में बड़ी बात है ना। चलिए, तो नाम हमने आपको बता दिया, अब नाम में क्या रखा है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब भी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स आप पढ़िए, तो रनरअप का नाम जरूर याद रखिए, या फिर जो बना है, जो ये इवेंट जीता है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये याद रखना काफी जरूरी होता है। देखिए, द फर्स्ट रनरअप इस, तो ये साउथ अफ्रीका की टैमरीन ग्रीन है, एंड सेकेंड रनरअप वेनेजुएला की स्टेफनी ड्यूटी रेज है। तो यहां पर नाम देखिए दिया हुआ है, तो साउथ अफ्रीका की टैमरीन ग्रीन एंड वेनेजुएला की स्टाफिन ग्यूटीरेज जो हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड रनरअप रहीं। रनरअप का नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है और दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके सामने, यहाँ पर देखिए, तो फिलीपींस की बात करें, तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला, करेंसी क्या है, पेसो, और प्रेसिडेंट कौन है, देखिए, रोड्रिगो ड्यूटेरे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो आप ये सब याद कर चुके होंगे, काफ़ी बार आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अवार्ड एंड ऑनर की बात करते हैं। तो अवार्ड ऑनर की बात करें, तो निर्माता अशोक अमृतराज, मतलब प्रोड्यूसर अशोक अमृतराज को फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑनर दिया है, सम्मानित किया है। तो ये अशोक अमृतराज कौन है, ये एक प्रोड्यूसर हैं हॉलीवुड के, और जैसे आपने शायद एक मूवी देखी होगी घोस्ट राइडर, तो घोस्ट राइडर जैसी मूवी ये प्रोड्यूस कर चुके हैं। जी हाँ, आइए इनके बारे में बात करते हैं, इंडियन है। देखिए, फिल्म प्रोड्यूसर अशोक अमृतराज वॉज ऑनर्ड विद द फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। आगे देखें, तो मिस्टर अमृतराज हैज बीन प्रोड्यूसर ऑफ द हॉलीवुड फिल्म सच एज घोस्ट राइडर, जो मैं आपको बता रहा था, निकोलस केज को आप जानते ही होंगे, तो निकोलस केज के साथ ये मूवी कर चुके हैं, एंड 99 होम्स, ये इनकी कुछ फेवरेट मूवी, मतलब बढ़िया मूवी में से है। आपसे मूवी का नाम पूछा नहीं जाएगा,
हम इंडियंस जब तक किसी को फील नहीं करते हम याद नहीं कर पाते हैं। तो घोस्ट राइडर आपको याद है, घोस्ट राइडर अच्छी मूवी थी, तो घोस्ट राइडर को किसने प्रोड्यूस किया, तो इस तरह आप कहानी बनाकर पढ़ सकते हैं। तो अब आपको याद हो जाएगा, मुझे मालूम है। चलिए, तो ये चीज़ आपने देख ली, आगे बढ़ते हैं। तो He was awarded for his contribution to the world of cinema and Indo-French film industry. तो इन्हें सिनेमा में जो contribution दिया है और Indo-French film industry में इनका जो contribution है, इसके लिए इनको ये award दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हॉलीवुड की। तो हॉलीवुड में आप क्या देख पाते हैं, तो हॉलीवुड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। हॉलीवुड के बारे में आप इसे आराम से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, स्लाइड में हमारे पीडीएफ में ये चीज़ होगी। ठीक, और आगे बढ़ते हुए इस बार आपको हम ऑस्कर मूवी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि इस बार ऑस्कर में किसको किसको अवार्ड मिला, बिकॉज ऑस्कर एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो बेस्ट पिक्चर मूवी की बात करें द शेप ऑफ वाटर, बेस्ट एक्टर की बात करें गैरी ओल्डमैन, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मेट, किस मूवी के लिए वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा रिवीजन करना चाहिए, बिकॉज आप भूल जाएंगे, बच्चे ही तो हैं आप लोग, है ना, और एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस के ज्योग्राफिकल पोजिशन आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांस की बात करें, बगल में बेल्जियम है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, इधर स्पेन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ऑबिट्री की बात करेंगे। बड़े दुख की बात यहाँ पर हो रही है कि सिंगर पंडित अरुण भादुड़ी जी का निधन हो गया। तो सिंगर पंडित अरुण भादुड़ी जी का निधन हो गया, ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए देखिए, तो प्रसिद्ध रिनाउंड क्लासिकल सिंगर पंडित अरुण भादुड़ी पास्ड अवे ऑन 17 दिसंबर, ठीक, कल के दिन में इनका निधन हो गया। पंडित भादुड़ी इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मास्टर ऑफ बंगाली सॉन्ग एंड भजन, तो ये बंगाली गानों और भजनों के विशेषज्ञ थे, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। और 14 में इन्हें बंगा विभूषण, जो कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये इनको दिया गया था। ठीक है, तो नाम याद रखिए, पंडित अरुण भादुड़ी की बात यहाँ पर हो रही है, जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और इस बार जो जो पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट थी जिनकी डेथ हुई है, हमने आपको इस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, जो आप हमारे पीडीएफ से डाउनलोड करके इसे एक साथ पढ़ सकते हैं। तो किसका किसका निधन हुआ, वो किस फील्ड से बिलोंग करता है, ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दो स्लाइड में दी है, एक स्लाइड ये और एक स्लाइड इसके बाद आएगी, देखिए यहाँ पर। और इस स्लाइड को भी आप चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की डेथ हुई है इस साल, हम आपको समराइज कर रहे हैं लिस्ट में, आप इसे याद कर सकते हैं और आपके एग्जाम में एक नंबर तो डेथ पर आता ही, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन की बात करें तो विक्रम सिंघे की बात करते हैं। विक्रम सिंघे अब रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, विक्रम सिंघे को फिर से श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। क्या पूरा मसला है, आइए चलते आगे और देखते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे हैज बीन रीइंस्टेटेड बाय प्रेसिडेंट श्री, यहाँ पे इनका देखिए मैत्रीपला सिरिसेना, मैत्रीपला सिरिसेना ने फिर से इनको अपॉइंट कर दिया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। मामला क्या था वो देखिए, देखिए इन अक्टूबर 2018 प्रेसिडेंट सिरिसेना डिसमिस द कैबिनेट एंड रिप्लेस विक्रमसिंघे विथ फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे। तो हुआ क्या था कि 2018 में यहां के प्रेसिडेंट ने कैबिनेट को डिसमिस कर दिया था और विक्रम सिंघे की जगह पे महिंदा राजपक्षे को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया था, लेकिन वहां पर काफी बवाल हुआ और इसके बाद क्या करना पड़ा, बाद में इनको फिर से अपॉइंट करना पड़ा रानिल विक्रम सिंघे को एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज जो थी, ये चीज आपको समझने वाली थी, तो देख लीजिए यहां पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन में। देखिए, तो इस बार हमने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आप इसे चाहे तो याद कर सकते हैं, इसमें नए नए अपॉइंटमेंट भी हैं, तो जितने अपॉइंटमेंट नए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है यहाँ पर, आप चाहें तो इसे आराम से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की स्लाइड में भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बहमास, बहरीन, बांग्लादेश, हम थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे ही डेली देते रहेंगे ताकि आपको कैपिटल, करेंसी, ये सब चीज़ें याद हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और भूपेश बघेल की बात करें तो भूपेश बघेल जो हैं ये छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो भूपेश बघेल इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर बने हैं छत्तीसगढ़ के नए, ये इन्फॉर्मेशन आपने दिखा। 17 दिसंबर को इन्होंने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली।
ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के तीसरे चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देख ली होगी। देखिए, तो अगर हम इलेक्शन की बात करें तो देखिए 90 सीटों पर इलेक्शन हुआ था छत्तीसगढ़ का, और 46 सीट चाहिए थे मेजॉरिटी में, और कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को मात्र 15 सीट से संतोष करना पड़ा। तो ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, हमने आपको मिजोरम, हमने आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में एनालिसिस दिया था, और आज हमने छत्तीसगढ़ के बारे में आपको एनालिसिस दे दिया क्या क्या सीट थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनके चीफ मिनिस्टर के नाम यहाँ पे एक साथ और पार्टी के नाम आपको यहाँ पर हमने दिखा दिए। ये इनको याद रखिए, मिजो नेशनल फ्रंट, ये याद रखना ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपके सामने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफेंस की। नेवी टू इनॉग्रेट इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, नौसेना इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का उद्घाटन करेगी। ये है क्या, इसके बारे में समझिए। हिंद महासागर में जो दूसरे देशों के कमर्शियल शिप चलते हैं, तो वो कमर्शियल शिप की इन्फॉर्मेशन इंडिया को कैसे मिले, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर लॉन्च किया है, जिससे दूसरे देशों के भी जो कमर्शियल व्हीकल चलते हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल सकती है। आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। द नेवी विल इनॉग्रेट द इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IFC फॉर द इंडियन ओशियन रीजन, हिंद महासागर के एरिया के लिए ये नेवी कर रही है। अब देखिए यहाँ पे, थ्रू दिस सेंटर इन्फॉर्मेशन ऑन वाइट शिपिंग और कमर्शियल शिपिंग, वाइट शिपिंग या कमर्शियल शिपिंग एक ही मतलब है, कमर्शियल का मतलब बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है, विल बी एक्सचेंज विथ कंट्रीज इन द रीजन टू इम्प्रूव मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, तो दूसरे देशों के जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इंडियन नेवी को मिल जाएगी, जिससे इंडियन नेवी और मजबूती के साथ अपने देश की रक्षा कर सकती है। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। आगे बढ़े, देखिए, तो ये जो IFC है, हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट द नेवीज इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इन गुड़गांव, हरियाणा। तो यहाँ पर देखिए, तो नेवी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इन गुड़गांव, गुड़गांव हरियाणा में ये एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे, हेड ऑफ डिफेंस फोर्सेस, कमांडर इन चीफ कौन है, तो हमारे हमेशा प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी हैं। और अगर हम बात करते हैं, देखिए, तो चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एडमिरल सुनील लांबा जी हैं, आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ, आपको यहाँ पर सबकी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। ठीक, तो देख लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर हमने आपको इक्विवेलेंट रैंक की बात की है। इंडियन आर्मी में सबसे ऊपर कौन होता है, उसके नीचे कौन, उसके नीचे कौन, इंडियन नेवी में कौन होता है और इंडियन एयरफोर्स में कौन होता है। तो यहाँ पर देखिए, जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कोलोनल, लुटिनेंट कोलोनल, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है ताकि आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, इक्विवेलेंट रैंक इन आर्म्ड फोर्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो देखिए, नई दिल्ली में सोल्जरथॉन आयोजित किया गया, सोल्जरथॉन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, ये क्यों किया गया इसके बारे में समझ लीजिए। हमारे देश में जो भी ऐसे सैनिक हैं जिनको, जो शहीद हो गए हैं या फिर वॉर के दौरान इनके किसी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट आ गया या बॉडी पार्ट कट गई, तो ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए और ऐसे लोगों को जो यहाँ से पैसे आएंगे वो उनके रोकथाम में खर्च किए जाएंगे, उनको कृत्रिम अंग दिए जाएंगे, ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट का। आइए देखिए, आपको सारी बातें अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। देखिए, यहाँ पर मैं क्या इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड की, देखिए, तो अभी आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे राज्यवर्धन राठौर जो हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोल्जरथॉन को न्यू दिल्ली में ध्वजांकित किया। ये एक तरह का मैराथन है, ये एक तरह का स्पेशल मैराथन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोल्जरथॉन। ठीक, तो ये क्यों है, इस मैराथन का आयोजन शहीदों और घायल सैनिकों को सम्मान में किया गया है, और मैंने आपसे क्या बोला, एक तो श्रद्धांजलि, और इससे जो पैसे आएंगे वो खर्च किए जाएंगे उन सारे सैनिकों के ऊपर जो या तो नहीं है और या तो उनके किसी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट आ गया, तो उनको आर्टिफिशियल जो बॉडी पार्ट है वो लगाने के लिए इससे हेल्प की जाएगी। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट का, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, वही सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं डिफेंस के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं हर बार की तरह। देखिए यहाँ पर,
देखिए, स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स खेलो इंडिया प्रोग्राम, ठीक, अ प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया प्रोग्राम ने अपने अंदर तीन प्रोग्राम को मर्ज किया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं, ठीक। ये तीनों जो प्रोग्राम है वो खेलो इंडिया प्रोग्राम में मर्ज हो गई हैं, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जो हमारा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, उसे पूरी तरह से रिवैम करना। ओलंपिक में या नेशनल गेम्स में या फिर एशियन गेम्स में हमारे देश से ज़्यादा मेडल आने चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट का सपना है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, देख लीजिए, स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो ये चीज़ हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी। आपको पता है कि नेक्स्ट एडिशन पुणे में होने वाला है, ये भूलिएगा नहीं। और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो भारत की मालदीव को $1.4 बिलियन की आर्थिक मदद। मालदीव में गवर्नमेंट चेंज होते ही इंडिया और मालदीव के रिलेशन अच्छे होने लगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड 1.4 बिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मालदीव ऑन 17 दिसंबर। 1.4 बिलियन डॉलर का हम एक हेल्प करेंगे मालदीव का, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, यहां पे बात बोल दी है। द टू कंट्रीज ऑल्सो इंक्ड 4 पैक्ट इंक्लूडिंग वन ऑन वीजा फैसिलिटेशन। और इन दोनों देशों के बीच में 4 एग्रीमेंट साइन होंगे, 4 में से एक क्या है, वीजा फैसिलिटेशन पर एग्रीमेंट होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक। अब देखिए, मालदीव का जो लोकेशन है वही हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालदीव का लोकेशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना हमेशा ट्राई करता है कि उसका मालदीव पर यहाँ पर थोड़ा सा अधिकार हो जाए, तो सीधे वो इंडिया को यहाँ से अटैक कर सकता है या प्रेशर में डाल सकता है। तो मालदीव का हमारे साथ में होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश की रक्षा करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो पर्सन ऑन विजिट की बात करें तो डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया में आए हुए हैं, इंडिया में हमारी विदेश मंत्री से मुलाकात करने के लिए। क्या है, आइए देखते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एंडर्स सैमुएलसन, अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 2-डे ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। तो ये 2 दिन के ऑफिशियल विजिट पर इंडिया में आए हैं और ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी से मुलाकात करेंगे, जहां पर बायलेटरल रिलेशंस को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए इसकी बात यहां पे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है और प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर जी ने यहाँ पर दे दी है। तो गाइज, ये था हमारा आज का शो। आज हमारे एमसीक्यूज नहीं है, कल के शो में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, वहां पर आपको आना है और धमाल मचाना है। मिलते हैं शाम को 5 बजे हम बात किसी करेंगे, शाम को 5 बजे फिर से हमारा टॉपिक होगा समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस पर 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं आपसे शाम को 5 बजे। थैंक यू सो मच गाइस।